जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, धन प्राप्ति और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको चावल के उपाय बताने वाले हैं कि चावल का उपाय करके किस प्रकार देवी लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में धन के भंडार को, धन कुबेर को अपने घर में वास करवा सकते हैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। चावल के छोटे छोटे उपाय, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो असाधारण हैं और हमारे घर में पड़ी चीज़ों से ही हो जाते हैं। उसके साथ ही वह हमें माला माल भी बना सकते हैं, हमारे किसी भी प्रकार के कार्य हो तो उसमें सफलता दिलवा सकते हैं और हमारे घर में सदैव के लिए अपनी राशि के अनुसार धन कुबेर का वास करवा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने घर परिवार में सदैव आपके खुशियां रहे, पति पत्नी और बच्चे आपके आराम से रहे, आपको किसी प्रकार की चिंता ना हो, तो चावल का उपाय अवश्य करना चाहिए। चावल दोस्तों, पूजा, अगर चावल नहीं हो तो बिना चावल के पूजा भी अधूरी मानी जाती है। पूजा के बाद अक्सर चावल का अभिषेक किया जाता है, अभिषेक की सामग्री में भी चावल का उपयोग किया जाता है। लेकिन चावल को ध्यान रखने योग्य एक बात है कि पूजा में लिया गया चावल कभी भी खंडित चावल नहीं होता है, चावल हमेशा अखंड ही लेना चाहिए। खंडित चावल देवी लक्ष्मी को नाराज कर सकता है, महादेव को नाराज कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में समस्या आ रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो महादेव जी को 16 सोमवार तक चावल का अभिषेक करना चाहिए तो निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग बनेंगे और आपके कार्य संपन्न होंगे, आपके घर मंगल कार्य होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नजर दोष है जिसकी वजह से आप धन नहीं कमा रहे हैं, ग्रह के जाल में फंस चुके हैं, तो आपको एक पोटली बनानी है चावल की और देवी लक्ष्मी के आगे कर उनकी पूजा करनी है। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करके, नौ ग्रह शांति की प्रार्थना करके उस पोटली को किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना है तो देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और आपने जो भी मन्नत मांगी है वह 21 दिन के भीतर भीतर पूरी होती है। दोस्तों, अगर अकूट धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको भगवान शिव को किसी भी एक सोमवार के दिन चावल को थोड़ा सा हल्दी में पीला करके उनका अभिषेक करना चाहिए। बस चावल खंडित नहीं होना चाहिए तो आपके जीवन में नवग्रह शांति मिलती है और आपको इस चावल के छोटे से उपाय के द्वारा अखंड धन की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार उत्तम गति से चले और आपके व्यापार में कोई भी कष्ट ना आए तो हल्का चावल को मीठा कीजिए गुड़ के साथ और उसके बाद राह चलते हुए कभी भी कोई भूरी गाय दिख जाए तो अच्छा है, अन्यथा किसी भी गाय को आप वह चावल, मीठे चावल आप सप्ताह में एक बार जरूर खिलाएं ताकि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे और आप अपने जीवन में यूं ही उन्नति कर पाएं। दोस्तों, चावल अगर आप अपने किसी परिचित को तिलक लगाते हैं तो तिलक के साथ चावल लगाना न भूलें। अगर चावल नहीं लगाते हैं तो आपके परिवार और उनके परिवार के सदस्यों के बीच में मेलजोल नहीं रहता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा आप करते हैं तो उनको भी अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन अखंडित अक्षत ही चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ग्रह दोष चलते हैं और उनको समाप्त करना चाहते हैं, आपके पति पत्नी के बीच में अनबन को समाप्त करना चाहते हैं, धन की कामना चाहते हैं, तो एक काली पोटली में आपको 1.25 पाव चावल लेने हैं। उसके बाद उसको अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के सर से ओसार कर रात्रि में जब भी आप सोने वाले होते हैं तब अपने सिरहाने उस चावल को रख देना है। उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर उस चावल को निकालकर अपने पास किसी बहते हुए जल या पीपल के पेड़ के नीचे उस चावल को रख देना है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में नजर दोष समाप्त होते हैं, आपके घर परिवार के सदस्य उत्तम रहता है और आपके घर में कोई भी नकारात्मक
उत्पादकता इस चावल के प्रभाव के कारण नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो अपने व्यापार स्थल में थोड़े से ही नहीं सही, आपको पीले किए हुए चावल अपने व्यापार स्थल में एक प्लास्टिक की पुड़िया में या सफ़ेद कपड़े में बांधकर आपको अपने व्यापारिक स्थल पर इन पीले चावलों को देवी लक्ष्मी को समर्पित करके जरूर रखना चाहिए, तो आपके घर परिवार उत्तम रहता है, आपका व्यापार उत्तम रहता है। चावल के इन छोटे से उपाय के द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके परिचितों को भी उपाय की जानकारी समय पर मिलती रहे।